हम लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो आगे कौन है और पीछे कौन? आगे जो चल रहा हुई है ये तो खुद डकैत है। इस बार तो कांटे का टक्कर है। कांग्रेस ने किसानों को खुश कर दिया है। अरे ये की तो है बघेल सरकार, गोबर कुछ पूरा भिलाई जो है ना दारू में के नशे में डूब जाएगी। 500 रुपए सिलेंडर देने के लिए बोल रहे हो कांग्रेस वाले, तो क्या अपने घर में सिलेंडर पैदा करेंगे? खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं तीरंदाज प्राची पांडे और इस वक्त हम खड़े हैं भिलाई पावर हाउस के जवाहर मार्केट में, जो कि वैशाली नगर की विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ आज हम जानने आए हैं कि यहाँ की जनता इस वक्त इस विधानसभा चुनाव में किसे चुनने जा रही है, यहाँ क्या चुनावी माहौल है। तो आइए जानते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम विजय चौधरी। कौन सी विधानसभा क्षेत्र? हमारा वैशाली नगर विधानसभा। किसको चुनने वाले? हम लोग तो जो राष्ट्रवादी होगा, जो मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा, जो समाज को एक साथ लेके चलेगा, जो शराबबंदी करेगा, उसको चुनेंगे। आप तो चुनेंगे उसको, लेकिन आपको लग क्या रहा है कि इस बार जीतेगी भाजपा? जीतना चाहिए, जीतने के लिए तो चुन रहे हैं। माहौल क्या लग रहा है, कौन जीत सकता है आपको अभी आपके क्षेत्र में? हमारे वैशाली नगर क्षेत्र में तो भाजपा का माहौल लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो एक अननोन पर्सन है, उसको यहाँ के लोग जानते नहीं। अननोन पर्सन कैसे बोल सकते हैं? अननोन मतलब आप मेरे को जानती हैं क्या? तो मैं आपके लिए अननोन हुआ ना, वैसे ही हम लोग उनको नहीं जानते हैं। मतलब इससे पहले आपने कभी उनको देखा? कभी ना देखा, ना सुना, ना जाना। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है आपके क्षेत्र में, किसकी जीत लग रही है आपको? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है, और जीतने का तो ऐसा है संघर्ष होता ही, चुनाव में जीते भी लड़ते हैं उनको तो सबको लगता है कि हम जीत रहे हैं करके, और जनता तो सोच समझ के वोट देगी। आप किसको चुनना चाहते हैं इस बार? मेरे फेवरेट तो प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं और राकेश सिंह जी। मतलब आप भाजपा का समर्थन करते हैं? हाँ, मैं तो। कांग्रेस का क्यों नहीं, क्यों आप उनसे खुश नहीं है? नहीं, हम लोग का थोड़ा पृष्ठभूमि जो है जनसंघ से रही है शुरू से, तो हम लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। जी, यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी है राकेश सिंह, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, 3-4 बार उन्होंने चुनाव जीता, यानी मेरे ख्याल से 20 सालों से चुनाव जीत रहे हैं लगातार, जनता चाहती है उनको बहुत अच्छे से। और जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके बारे में क्या कहना? बहुत अच्छे इंसान है, मुकेश चंद्राकर तो जिला अध्यक्ष भी है भिलाई के। तो दोनों ही अच्छे इंसान है, तो फिर भाजपा क्यों? एक हम लोग उनसे, भाजपा तो हमारी बोलते मातृ संस्था है, हम जुड़े हुए हैं शुरू से ही, तो इसलिए भाजपा। और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। किसको चुनने वाले हैं आप लोग इस बार, बताएंगे किसको चुनने वाले हैं इस बार? कभी कभी मत करो हम लोगों को। किसको चुनने वाले हैं, भाजपा को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, बताइए? भाजपा, भाजपा। यार क्या क्या माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र में इस बार, कौन जीत? तो अभी कोई माहौल ही नहीं लग रहा है यहाँ, तो कोई माहौल ही नहीं लग रहा है कुछ। आप किसको चुनना चाहते हैं? हम लोग तो बीजेपी वाले। बीजेपी वाले क्यों ऐसा? वो हमारे परिवार में सब बीजेपी शुरू से चल रहा है, हम भी चला रहे हैं। तो बीजेपी काम वाम कुछ किए कि बस ऐसे ही चलते आ रहे हैं? करी ना, काम तो है ही ना। जैसे कि क्या? जैसे क्या, सब तो काम ही दिख रहा है सब जगह। अब आपको दिख रहा है काम? हमको तो लग रहा है कुछ। कांग्रेस से क्यों ना खुश हैं? कांग्रेस से भी खुश है, लेकिन वोट अब जिसको देते देते हम कहा उनकी बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस भी अच्छी है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीत सकते हैं? इस बार भूपेश जी जीतेंगे, माहौल तो ऐसी है, भूपेश जीतेंगे, बस उन्हीं का दिख रहा है। तो आप तो लेकिन भाजपा को चुनेंगे? तो उन्हीं को देते हैं ना, हमारा तो मोदी जी से हमारा खास है ना, भाजपा को ही देते हैं हम। लेकिन जीत सकते हैं बघेल जी? बघेल जी का चांस ज्यादा है, वो अभी थोड़ा छत्तीसगढ़ में ध्यान दे रहे हैं लोग। यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी है राकेश सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी है मुकेश चंद्राकर, दोनों में क्या लग रहा है टक्कर? कुछ लोग बोल रहे हैं एक तरफा जीत भी हो सकती है भाजपा। कुछ नहीं, एक तरफा नहीं रहेगा, टक्कर रहेगा, बोल नहीं सकते कौन जीत सकता है। अभी माहौल ऐसा है कि पब्लिक को कौन जानता है, तो सोचा थोड़ी था कि छत्तीसगढ़ में इतनी सीट आ जाएगी कांग्रेस की, अभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसा लगा, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल कैसा है आपके क्षेत्र में? माहौल सब बराबरी के दिख रहा है, क्या होगा मालूम नहीं।
आप किसको चुनने वाले? जब सामने आएगी बात तब देखेंगे। किसका पलड़ा भारी लग रहा है फिर भी देख रहे होंगे, समझ में आ रहा है? अब टक्कर वाली बात है, कांग्रेस का चल रहा है ऐसा लग रहा है। टक्कर हो जाएगा या एक तरफा जीत हो जाएगी? इसमें कंपटीशन वाली बात है, थोड़े बहुत मत से कोई आगे पीछे है। तो आगे कौन है और पीछे कौन है? आगे जो चल रहा हुई है, कौन है? पंजा साहब। अच्छा। ऐसा लग रहा है माहौल, पंजा मतलब आगे लग रहा है। ऐसे यहाँ के से देख रहा है, अब उसे बाद में क्या होता है उसको क्या मालूम है कि नहीं। अब मैं तो बोलूंगा ये है वो है, उसके बाद मैं क्या करूंगा मेरे को मालूम। आप किसको पसंद करते हैं, आपको किसका काम पसंद है? सब भी पसंद है कि आज मलाई और खाने की है किसी ने, मोदी का ठीक था, अब उसके लोग ठीक नहीं है तो उसको क्या करेंगे, समझे? वो तो अगला आदमी सब बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसके नीचे के लोग है वो खराब कर रहे हैं। अब योगी को देखो, काया पलट कर अयोध्या में, तो वैसे अगर मंत्री लोग सही रहे तो सब जगह सही रह जाएगा। योगी जैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी वही होना ना जो काया पलट दे। हाँ, इधर कुछ बोलते उधर कुछ, जिधर पल्ला भारी उधर लोग उड़ंग जाते, उसे क्या करना, सब अपना घर बढ़ते है। तो यहाँ भाजपा के काम से खुश नहीं है आप? भाजपा काम से खुश है ना, पहले कर दिया उसने, अभी उसी के बीच के लोग गलत कर दिए, उनको मौका अभी इस टाइम ऐसा लग रहा है जब प्रेम प्रकाश पांडे आएगा, उस टाइम देवेंद्र यादव को उन्होंने मौका दिया, अब वो इसको दे देगा। इनकी तो चलती मिली जुली सरकार है, तो पब्लिक क्या करेगी? अब तो हमको क्या एक ओर से क्या होना है, लेकिन उसके आधार पे पब्लिक करेगी क्या, है कि नहीं? इसीलिए बता नहीं सकते। यहाँ के जो विधायक है, अग्रम है, मंत्री है, ये सभी घोटाले वाले हैं, तो किसको पकड़ ले करें? ये तो खुद डकैत है, तो चोर को पकड़ने से क्या फायदा? कैसे भैया क्या लग रहा है चुनावी माहौल आपके क्षेत्र? चुनावी माहौल तो अच्छा है। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? अपन तो भाजपा वाले हैं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा, शुरू से भाजपा को वोट देते आए हैं। तो भाजपा प्रत्याशी जो यहाँ से हैं विकेश सेन, उनके बारे में क्या कहना है? 5 बार के पार्षद रह चुके भैया, ऐसे ही थोड़ी जीते हैं, छवि अच्छा होगा तो जीते हैं, 5 बार आएंगे तो कुछ करेंगे ही। कांग्रेस कौन सा कुछ कर रही है? मतलब कांग्रेस के काम से खुश नहीं है? नहीं, मुकेश चंद्राकर को अपन तो जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? वो भी तो एक जाना माना नाम है ऐसा सुनियो। नहीं तो अपन नहीं जानते ना उनको। आप नहीं जानते? नहीं जानते, वो तो खड़े हुए तो फिर मालूम चला, हाँ देखे हैं इनको भी। तो रिकेश की मुकेश? हाँ, रिकेश सेन या मुकेश चंद्राकर? रिकेश सेन। किसको जीतोगे दादा इस बार? मैं भाजपा को। क्यों ऐसा? कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। क्या नहीं कर पा रही है? कुछ नहीं काम कांग्रेस किया हुआ है। क्यों है इतनी नाराजगी? नाराजगी है ना बहुत। किस बात के लिए? किस बात के लिए? कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार सब लिप्त हो गई, भ्रष्टाचार में ना पुलिस थाना में कोई बोल टोल है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बोल भाजपा जिताना है। मतलब इस बार भाजपा को जिताओ? भाजपा को देना, भाजपा को, जनता को बदलना पड़ेगा। भाजपा क्यों पसंद है आपको, क्या काम पसंद? भाजपा में क्या है ना, भ्रष्टाचार नहीं है ना, काम करती है भाजपा, काम करके दिखाती है। ये लोग क्या कुछ दिखाते हैं, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। पानी घर तक पहुंचा दिए? हाँ, पानी पहुंचा दिए। बहुत काम करती है भाजपा भैया, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। क्या क्या काम किए? कौन भाजपा? अरे बोले बोले पानी टंकी लगा दिया, चावल खिलाई रही है बेचारे गरीबों को, घर बना ही रहे लोग। मतलब भाजपा से खुश है? भाजपा हो और बीजेपी आएगी। क्यों ऐसा? जैसा काम होगा वैसा ही होगा ना। क्या काम किए बीजेपी? बहुत काम किए। क्या, क्या काम नहीं किए? जैसे कि क्या क्या? जैसा कोई भी चीज का मुद्दा बोलो आप, वो चीज के लिए बोलो। तो कांग्रेस नहीं किए? नहीं, कांग्रेस कौन सा ये कर रही काम, कोई भी चीज में देखिए ना, सऊदी और 40 का ये हो रहा, कोई भी काम देखिए आप, जो भी बीजेपी ये काम कर रही है, आपको जो राशन मिल रहा है, हर चीज जो सुविधा दे रही है वो बीजेपी दे रही है। कांग्रेस क्या है, किसी की दे रही? बघेल अपना नाम लेता है कि मैं फ्री में अपने पास से दे रहा हूँ, वो तो कुछ देता नहीं है, निगम वहाँ से मिलता सरकार तरफ से, ये चीज के लिए बीजेपी आएगी। मतलब आपके यहाँ पर क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? बीजेपी का ही चल रहा है। 19-20 से या 50-50 भी हो सकता है? तो थोड़ा बहुत तो टक्कर हो सकता है, क्या है लोकल ज्यादा सपोर्ट करते हैं उसके लिए। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर? हाँ, 50-50। 19-20 हो सकता है? 19-20 तो होगा ही। फिर भी किसका ज्यादा पड़ा भारी लग रहा है, माहौल क्या है? कांग्रेस का।
क्यों ऐसा? कांग्रेस तो सरकार है, कांग्रेस काम ठीक ही किया है। आप किसको जिताना चाहते हो? मैं तो कांग्रेस को जिताना चाहूंगा। क्यों ऐसा? कांग्रेस का सरकार था, सरकार है भी, इसीलिए। भाजपा नहीं? भाजपा, भाजपा को भाई अपनी अपनी पसंद है। हाँ, आपकी क्या पसंद? मेरा तो कांग्रेस है, ठीक ही है कांग्रेस। मतलब इस बार क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार पक्की है। आपकी विधानसभा क्षेत्र में रिकेश चंद्राकर या मुकेश चंद्राकर? रिकेश सेन नहीं? रिकेश सेन नहीं, कांटे का टक्कर है, मात्र 4-5 हजार वोट से जीत हार हो गया। अब ये नहीं कोई बता सकता है कौन जीत पाएगा। तो बहुत बड़ा ये मार्केट है, यहाँ पर जो ग्राहक आए हुए हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार, किसका यहाँ पर माहौल लग रहा है आपको? अब क्या पता भाई, आप लोग जानोगे जनता। आपका आपका पसंदीदा कौन है, भाजपा की कांग्रेस? मेरा पसंदीदा तो कांग्रेस है शुरू से। भाजपा? भाजपा नहीं है? क्यों ऐसा? नहीं मालूम। भाजपा का, भाजपा प्रत्याशी जो अभी उतरे हैं उनको आप जिताना चाहती है या कांग्रेस प्रत्याशी? अब देखेंगे। प्रत्याशी देख के मतलब आप वोट नहीं देते? चिन्ह देख कर देते हैं? क्या पता, नहीं पता। नहीं, कांग्रेस के काम से आप खुश हैं कि नहीं? है, खुश हूँ मैं। भाजपा से नहीं है? नहीं, उससे भी खुश है, सब अच्छे हैं, चुनते आई है इसलिए चुनेंगे। क्या लग रहा है इस बार बराबर की टक्कर हो जाएगी, कौन क्या एक तरफा जीत हो जाएगी? अब देखिए क्या हो रहा है, बराबर का होना चाहिए, 50-50 हो सकते हैं। हो सकता है। किसको जिताने वाले हैं इस बार? बीजेपी को। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को नहीं जिताना। क्यों ऐसी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है, जिसको अपना पसंद उसको वोट देंगे। तो भाजपा पसंद क्यों है वो बता दीजिए। भाजपा शुरू से देते हैं, जब से वो वोटर लिस्ट में नाम है तब से बीजेपी को देते हैं, इसलिए बीजेपी को ही चुनेंगे, कोई बदलाव नहीं करना चाहते? नहीं, बदलाव नहीं करना। भाजपा की कांग्रेस शुरू से तो भाजपा वाले रहे हैं, तो भाजपा ही चुनेंगे इस बार। तो इस बार कुछ बदल के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं? अभी ये तो भी सोचे नहीं है रहा, तो ऐसे कुछ देखेंगे तो भी चेंज कर सकते हैं, बट मतलब पलट भी सकते हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, शुरू से हम बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी में रहते हैं। अगर आप अपने को लगा कि नहीं अब इस प्रत्याशी से कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो प्रत्याशी तो उतर चुके हैं, नाम सामने है, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी? अभी तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर भी इंडिविजुअल देखा जाए तो किसका ज्यादा तगड़ा सोर्स किसका लग रहा है? तगड़ा तो अभी बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि क्या आप कांग्रेस के है इसमें, अभी आप सोच रहे कि बीजेपी को जिताना करके, तो सोच रहे बीजेपी जिताएंगे, मतलब बीजेपी जीत सकते? हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस को जिताओगे? बिल्कुल। क्यों ऐसा? कांग्रेस अपनी को अच्छी लगती है। बीजेपी क्यों अच्छी नहीं लगती? बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, यहाँ कांग्रेस के राज के अंदर थोड़ा ठीक लगता है अपने को, जातिवाद नहीं होती। मतलब भाजपा जातिवाद करती है ऐसा लगता है? ये नहीं बोल सकता मैं, पर जहाँ कांग्रेस है वहाँ फिलहाल अपने को ठीक लग रहा है सर। आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है, कौन जीत सकता है? कांग्रेस का लोग लग रहा है, भाजपा का नहीं लग रहा? कुछ बोल नहीं सकता, पर फिलहाल कांग्रेस मुझे लगता है कि आएंगे। तो टक्कर हो जाएगी या एक तरफा टाइप का कोई जीत जाएगा? एक तरफा कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस की सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। भाजपा को सपोर्ट करने वाले नहीं है फिलहाल तो यहाँ नहीं लग रहा अभी ऐसा, और गिने चुने कुछ लोग होंगे। जो प्रत्याशी उतरे हैं दोनों में से, उनमें आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? कांग्रेस को तो आप पसंद करते हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी लग रहा है? फिलहाल तो अभी कांग्रेस के ही लग रहा है। मतलब कांग्रेस जीत जाएगी? बेशक। काला वोट दे पे हो? नहीं, वोटिंग के कागज है तब न दू भाई। तो फिर आही कागज तब होकर बाद काला वोट दे पे? अब जला दू तेला दू भाई। तो पसंद कौन सा है? अब कौन सा मैं बताऊं बेटे, काला पसंद करते? अरे जो भाजपा की कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस भाजपा नहीं? चल भाजपा ही में दे दूं भाई वो मका। मैं नहीं बोला तो बताना। तो ही छत बोला सच भाई, तब मैं बता सही से बता। भाजपा पसंद है तोला? भाजपा कावर का देते भाजपा? मोला कोई कहीं नहीं दे, तब भी भाजपा ले चुन। अरे तब कोई तो नहीं कहीं दे, कोई भी सरकार बनते देतेगा गरीब आदमी ला। आप किसको वोट देंगे आप बताइए, आप किसको चुनना चाहते हैं? मैं कांग्रेस को चुनना चाह रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि कांग्रेस ने किसानों को खुश कर दिया है, कर्जा माफ कर दिया है, किसानों का धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, और बोनस भी बढ़ा दिए हैं, बिजली भी हाफ है,
किसान बहुत खुश है। किसान खुश है, और कौन खुश है आपको क्या लगता है? हम किसान आदमी है तो किसान खुश है तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। भाजपा से नाराजगी क्यों है? भाजपा का विकास यहाँ दिख नहीं रहा है। भाजपा को 15-16 साल देखा लेकिन कोई विकास नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को भी हम 15 साल देखना चाह रहे हैं। 15 साल मतलब 15 साल तक सुनते रहेंगे? हाँ सुनते रहेंगे, क्योंकि ये भाजपा से कुछ अच्छा काम किया है। भाजपा के 15 साल में और कांग्रेस के 5 साल में क्या फर्क दिखा? जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये 15 साल रह गया तो 4 गुना उसका विकास बढ़ जाएगा। भाजपा से मतलब खुश नहीं है? भाजपा से कुछ नहीं है, हम किसान आदमी है, किसान के लिए बहुत अच्छा है भाजपा। कांग्रेस, भाजपा ठीक नहीं है। कांग्रेस को जिताएंगे? कांग्रेस को ही जिताएंगे जी, कांग्रेस जिताएंगे। क्या लग रहा है प्रत्याशी के रूप में कौन ज्यादा टक्कर, किसका ज्यादा पलड़ा भारी है प्रत्याशी के रूप में? अभी प्रत्याशी के रूप में तो कांग्रेस का पलड़ा अच्छा भारी है और कांग्रेस मैंडेट लेके आएगी, कुछ भाजपा का भी वोट बढ़ेगा। 50-50 हो जाएगा कि एक तरफा? नहीं 50-50 नहीं होगा, एक तरफा कम से कम 30-70% मार्जिन आएगा। लग रहा है भैया कौन जीतेगा इस बार, क्या माहौल है? इस बार लग रहा है बीजेपी जीतेगा, कमल छाप। आप किसको जिताएंगे? हम कमल छाप को ही जिताएंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं जिताना चाहते? कांग्रेस को नहीं जिताएंगे क्योंकि वो काम हम करता नहीं है। क्या काम नहीं हुआ है आपका? अरे बाजार में क्या रोड वोड बना नहीं है, बाजार में उस साइड जो हर मार्केट का उधर का बन गया है, इधर का जो सामने का इधर का बने ही नहीं है, इसके नाम से उसको जिताएंगे ही नहीं। मतलब नाराजगी है? हाँ नाराजगी है। तो इस बार अगर मौका देख के क्या पता काम हो जाए, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नया कुछ लाना चाहते हैं कि उसी को जिताएंगे? नया कुछ लाना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? हमारे क्षेत्र में माहौल तो बीजेपी का लग रहा है और हम लोग बीजेपी में वोट देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। अरे जो अच्छा काम करेगा, अभी तो कांग्रेस जैसा वैसा कर, कांग्रेस क्या किया हमारे मार्केट के लिए, हम इतना बड़ा मार्केट के लिए कांग्रेस को कुछ करना चाहिए ना, हमारे मार्केट कुछ किया नहीं। पूरा नाली देखिए, पूरा पानी बहता है, पूरा नाली भी खराब है, तो मार्केट के लिए कुछ काम नहीं? कुछ नहीं, क्या काम है, पूरा घर नाली नहीं बनाया आज कितना करीब, जब हो गया 15 साल हो गए ना नाली बने, 15 साल हो गया आज, फिर उसके डबल नाली नहीं बना। मतलब आप कांग्रेस किसको, आप किसको चुनना चाहते प्रत्याशी? हम तो यहाँ से बीजेपी को लेके आएंगे, रितेश सेन वैशाली नगर। मुकेश चंद्राकर टक्कर दे पाएंगे? अब आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे, बराबरी का टक्कर हो जाएगा, एक तरफा जीत हो जाएगा? हमारे हम तो केम्प इलाके से रहते हैं, जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ तो सब हमारे बीजेपी भाई लोग हैं, मतलब एक तरफा जीत जाएंगे। हाँ इधर से रितेश सेन है ना, उनको खाली बीजेपी की तरफ से उधर वोट मिलेगा, हमारे इधर से केम्प के केम्प केम्प की तरफ से, बाकी इधर सेक्टर तरफ से तो नहीं समझ, वहाँ तो वो क्या पांडे जी खड़े उधर से, इधर तो रितेश सेन जीत जाएंगे हाँ एक तरफा जीत, क्योंकि हमारे तरफ इधर के उन्हीं का लहर है फिलहाल बीजेपी का, बीजेपी की लहर है हाँ इधर। किसको वोट देंगे? भाजपा को। कांग्रेस को क्यों नहीं? अपनी अपनी इच्छा है, अपना अपना इच्छा है, लेकिन आप किसके काम से खुश हैं, क्या शिकायत है, किससे क्या शिकायत? कोई शिकायत नहीं है, हम लोग पहले से भाजपा ही, हम लोग भाजपा के, कोई जीते कोई हारे। बताओ तो किसको चुनोगे? अरे मैं तो सोच रहा हूँ गोबर कोचिया को चुनूंगा। कौन है गोबर कोचिया? अरे एक ही तो है बघेल सरकार गोबर कोचिया, उसी को चुनोगे? हाँ बिल्कुल, कर्जा माफ कर रहे हैं लोगों का, हमारा भी माफ करेगा। मतलब कांग्रेस को लाना चाहते हैं? अरे कांग्रेस को लाना चाहते हैं? हाँ हाँ वही आ जाएगा, भले गोबर कोचिया भले बाद में हार जाए चलेगा, लेकिन उसी को लाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। हाँ हाँ भाजपा को नहीं, वो हार जाए मंजूर है लेकिन कांग्रेस को लाएंगे, वोट देंगे कि कांग्रेस। आप चाहे भाजपा को दे चाहे कांग्रेस, महंगाई तो कमी नहीं कर रहे हैं ना, महंगाई तो उतना ही है। किससे उम्मीद है कि इनको जिता देंगे तो महंगाई कम हो जाए? आप उम्मीद किससे करें? किसी से तो होगी उम्मीद, किससे करें? अब तक किसको चुनते हैं? जिससे भी उम्मीद करते हैं उससे भी निराश हो जाते हैं। किससे निराश हुए हैं? अब सभी तो निराश कर देते हैं। अब तक किसको चुनते आए? अब किसको चुनते आए? भाजपा को चुनते आए हैं। इस बार किसको चुनेंगे? अब देखेंगे किसको चुनते हैं। क्या माहौल है, कौन जीत सकता है, भाजपा की कांग्रेस? अब वो तो नहीं पता दीदी। आप किसको चुनते हैं? भाजपा। क्यों ऐसा, भाजपा क्यों? क्योंकि वो अच्छा चलता है, लेकिन कांग्रेस का नहीं है काम, कांग्रेस का नहीं है। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में कौन जीत जाएगा, किसकी, भाजपा जीत जाएगी कांग्रेस जीत जाएगी? मेरे ख्याल से तो भाजपा आनी चाहिए। आप भाजपा से खुश हैं या नहीं है, बस चुनते आई इसलिए चुनेंगे? भाजपा को क्यों चुनना चाहते हैं, पसंद है आपको भाजपा? किसको चुनने वाले इस बार, भाजपा की कांग्रेस?
किसको चुन रही मैं, भाजपा की कांग्रेस दोनों बराबर है हमारे लिए। तो क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, भाजपा जीत रही है कांग्रेस? मैं भाजपा थोड़ा पास आओ, मैं भाजपा को ही वोट दूंगी इस बार। तो कांग्रेस को नहीं दोगे? नहीं, मैं अपने दूंगी कांग्रेस। अब नहीं दोगे मतलब पहले दे चुके हो? हाँ, पहले दे। तो ऐसा क्यों कि इस बार नहीं देना चाहते? मन नहीं कर रहा, मतलब काम से खुश नहीं हो? नहीं। क्या काम आपका नहीं हो पाया? बहुत कुछ काम हो नहीं पाया, मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना था, कुछ नहीं बना मेरा, कुछ नहीं। मतलब भाजपा को मौका दोगे तो लग रहा है काम हो जाएगा? नहीं, वो भी उम्मीद तो नहीं रखती, पर फिर भी दूंगी। एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। किसकी सरकार बनाओगे, भाजपा की कांग्रेस? हम तो भाजपा वाले हैं। कांग्रेस को नहीं जिताओगे? क्यों जिताएंगे? क्यों ऐसा कांग्रेस से नाराज हो? जीतने बेरोजगार बच्चे हैं, सब दारू पी रहे हैं अभी तक। अगर 5 साल तक और रह जाएंगे ना तो पूरा भिलाई जो है ना दारू में के नशे में डूब जाएगी, और डूब जाएगी भिलाई पूरी तरह से डूब जाएगी। कांग्रेस को नहीं आना चाहिए? कांग्रेस को नहीं आना चाहिए। भाजपा ऐसा क्या लगता है कि तो क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? क्या परिवर्तन देखना है भाई, हम तो आज बहुतों साल से देख रहे हैं। मतलब कांग्रेस के राज में दिन में ये हाल है? हाँ। तो अभी जाके देखिए, शराबबंदी पर कोई कदम नहीं लिया? कोई कदम नहीं लिया जा रहा है, ना पुलिस वाले ना ये। हाँ? तो रिकेश सेन जीतेंगे कि मुकेश चंद्राकर जीतेंगे? क्या भाजपा की कमर? भैया उधर के हैं, सेक्टर 11 के। तो भाजपा की कम, भाजपा की कांग्रेस? हम तो भाजपा वाले हैं। कौन जीतेगा, कांग्रेस की कांग्रेस की भाजपा? अभी नहीं बता सकता कौन जीतेगा। आप किसको जीतोगे? जीतेगा वही जो देश को संभाला है। देश कौन संभाला? कौन संभाल है देश? कौन संभाल रहे देश? जो अभी संभाल रहा है। आप किसको चुनोगे? हम तो भाजपा को चुनेंगे। कांग्रेस के काम से खुश नहीं हो? क्यों खुश नहीं हो कांग्रेस के काम? कांग्रेस के काम से क्यों खुश नहीं हो? खुश इसलिए नहीं है कि इतना टैक्स बढ़ा दिया। हाँ। हर चीज कर दिया है, बघेल ने किया क्या और क्या, इसीलिए नहीं देंगे, इसीलिए नहीं वोट देंगे। तो मतलब इस बार आप भाजपा लाना चाहते हैं? भाजपा लाना। तो बराबर की टक्कर हो जाएगी या एक तरफा जीत हो जाएगी, क्या लग रहा है? क्या चीज दोनों में टक्कर हो जाएगी कि एक तरफा जीत हो जाएगी? समय बताएगा। माहौल क्या लग रहा है आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा? हमारा माहौल तो ये लग रहा है कि भाजपा आएगी इस साल, मतलब कंफर्म है एकदम, छत्तीसगढ़ में वाले हो ना। थोड़ा सा आप लोगों को, आयोग वालों को, आप लोगों को समझाना चाहिए। 30,000 रुपया 3,000 रुपया क्विंटल का धान ले रहा है, आखिर में वो पब्लिक कहाँ से खाएगी ये बताइए आप? कहाँ से दे रहा है और कैसे खाएगा लोग? आप थोड़ा सा ये आयोग, निर्वाचन आयोग को कम से कम आप लोगों को रिपोर्ट देना चाहिए ना। 500 रुपए सिलेंडर देने के लिए बोल रहे हो कांग्रेस वाले, तो क्या अपने घर में सिलेंडर पता करेंगे, कहाँ से देंगे बताइए? थोड़ा ये आप लोगों को निर्वाचन आयोग को लिख करके भेजना चाहिए ना। फिर तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? खाली आप लोग आवाज उठाइए ना, हम लोग ये आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मतलब भाजपा आएगी तो ये सारा जो समस्या खत्म हो जाएगी लग रहा है? न समस्या खत्म हो, लेकिन 500 रुपए सिलेंडर आ जाएगा। थोड़ा आप सोच लीजिए, थोड़ा सा दिल में सोते समय खूब सोचिए, उसके बाद वो निर्वाचन आयोग को एक बार समझाइए कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। भाजपा को जिताओगे कि कांग्रेस को? जिसको देने का उसी को देंगे। अभी तक किसको देते हैं? कमल को देते हैं। कमल को देते हैं। इस बार किसको दोगे? अब देखेंगे, सोचेंगे घर वाले क्या बोलते क्या नहीं। तो नहीं तो कुछ एक किसी एक को चुनना होगा ना, किसको चुनोगे, क्या लग रहा है? अब देखो कौन आता है, हम देखेंगे। हम लोग का चुनावी माहौल कैसा है आपके क्षेत्र में? मैं तो ये वैशाली नगर विधानसभा से हूँ, यहाँ तो रिकेश सेन ही जीतेगा, क्योंकि उसने जो आज तक 4-5 एरिए से पार्षद बन करके जो काम किया है उसके हिसाब से तो रिकेश सेन का ही लग रहा है। मुकेश चंद्राकर क्यों नहीं? मुकेश चंद्राकर को कोई जानता नहीं, कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसको उतना लोग जानते नहीं जितना रिकेश सेन ने। तो काम भी किया है, 4-5 बार का पार्षद भी रहा है और बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए यहाँ से तो विधानसभा वैशाली नगर से तो रिकेश ही जीतेगा। तो एक तरफा जीत होगी या 50-50 भी हो सकता है? कांटे की टक्कर? कांटे की टक्कर तो नहीं होगी, रिकेश तो बहुत ज्यादा मतों से जीतेगा, मतलब एकदम कंफर्म एक तरफा जीत हो जाएगा। हाँ, एक तरफा जीतेगा। बीजेपी का कैंडिडेट इस बार का बहुत अच्छा है।
कहीं कोई इशू नहीं है। मतलब आपको ये तो नहीं है कि गलत कैंडिडेट उतर गया कुछ इस प्रकार? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और बहुत काम किया उसने और काफी साल से अच्छा काम कर रहा है और मैं तो उस क्षेत्र में हूँ तो उसने तो दूसरी दूसरी जगह से भी काम करके काफी अच्छा काम किया लोगों को। कैसे भैया क्या लग रहा है, कौन जीत जाएगा, भाजपा कांग्रेस किसको जिताओगे? हम बीजेपी को जिताएंगे। क्यों ऐसा? नहीं, उसका काम बहुत अच्छा है। क्या काम अच्छा लगा? उसका बहुत प्रगति पर है उसका काम, और तो पता नहीं है बाकी, उसका काम बहुत अच्छा है। कांग्रेस को क्यों नहीं जिताना था? कांग्रेस हमारे में नहीं चलता, हमारे एरिया में नहीं चलता कांग्रेस। हमारे एरिया में बीजेपी पे जो उसका कार्य बहुत अच्छा रहता है और कांग्रेस उतना अच्छा कार्य नहीं करता है। क्या लग रहा है, बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है, एकदम से जीत जाएगी या टक्कर भी हो सकता है? बीजेपी जीत जाएगा, टक्कर भी नहीं, टक्कर वक्कर नहीं, बीजेपी जीतेगा। आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल कैसा है, कौन जीत जाएगा? अभी तो कांग्रेस को ही सर्वे कर रहे हैं। आप किसको पसंद करते हैं? वैसे तो पसंद दोनों को ही करते हैं हम। नहीं, आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है, कौन सा प्रत्याशी ज्यादा दमदार लग रहा है? कांग्रेस वाले ही। भाजपा नहीं? भाजपा भी है। आपको क्या लग रहा है, कौन ज्यादा दमदार है? अब मैं कैसे बता, 50-50 लग रहा है मतलब? हाँ, दोनों बराबर में ही चल रहे हैं।